तो सुषमा स्वराज ने दो बार करनाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। इस नाते उनका पानीपत और करनाल में आना जाना लगा रहा। जो लोग उनके निकट सहयोगी थे आज वो बेहद दुखी हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता उन्हें छोड़ के चला गया जो उनके लिए अनमोल थी। बीजेपी की टॉप लीडर्स में से एक और प्रखर वक्ता के रूप में अपनी पहचान रखने वाली सुषमा स्वराज अब नहीं रही। उनकी स्मृतियां हरियाणा से किस कदर जुड़ी हुई हैं, हरियाणा वाले उनसे कितना प्यार करते थे। उनमें से एक पानीपत के डॉक्टर मनोहर लाल सुने जाएं, जब वो यहाँ से चुनाव लड़ती थी, करनाल से एमपी का चुनाव लड़ा, करनाल में पानीपत में उनका आना जाना, कितनी मधुर स्मृतियां इनके मन में ताजा हैं, उस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सुषमा स्वराज बहुत बड़ी नेता बनी, बीजेपी की बनी, बहुत नाम कमाया, महिला होने के नाते कई रिकॉर्ड बनाए, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां आपके जहन में क्या है? वो भारत की पहली महान बेटी है, इसने छोटी आयु में इतना मान सम्मान कमाया, हरियाणा में रहकर भी हरियाणा का नाम उज्ज्वल किया, सबसे कम आयु में महिला होते हुए कैबिनेट मंत्री बनी, भारत का मान विदेशों में इतना उच्चकोटि तक पहुंचाया कि आज विदेश के लोग भी उनके निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। उनके जीवन की लीलाएं इतनी हैं, गुणों का जितना काम किया जाए कम है, विदाई पर दुख भी है, वो भी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भारत की वो पहली महान महिला है जो विदेश मंत्री बनी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बनी, और कार्यकर्ताओं में वो ज़मीन से जुड़ी हुई एक कार्यकर्ता और नेता थी। यशस्वी भाषण देने में मधुर वाणी उनकी सर्वदा याद रहा करेगी, लोग याद करके अपना दुख प्रकट करेंगे। मैं उनको हाव भाव भीनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, और वो भारत के युवकों के लिए, भारत की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। जय भारत, जय श्री राम। क्योंकि सुषमा स्वराज दिल्ली चली गई, बहुत ऊंचे ओहदों पर रही, जब कभी हरियाणा आती थी लोग बड़े चाव से इंतजार करते थे कि सुषमा स्वराज आएंगी, उनको सुनने के लिए लालायित रहते थे, उनसे लगाव बहुत था। हरियाणा जब कभी दिल्ली से हरियाणा आती थी तो आप लोग कितना इंतजार करते थे? व्यक्तिगत तौर पर वो एक दिलों से जुड़ी महिला थी, यानी बहन के नाते एक उसका हार्दिक स्वागत किया जाता था और कोई मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता था। मैं उनके सदगति के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। 44 साल बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, मैंने एक उनका एक भाषण सुना है, उन्होंने एक जैसे एक भविष्य वक्ता के तौर पे कहा कि अंधेरा छटने वाला है, सूरज निकलने वाला है। बीजेपी की सरकार बनने से ठीक पहले हरियाणा में इस तरह का उनका एक वक्तव्य था, तो आपको लगता है वो दूरदर्शी भी थी? मैंने तो पहले ही निवेदन किया है कि उनके गुणों का जितना गान किया जाए कम है, एक एक शब्द, यानी आज मानो उनका टीवी पर आ रहा था, संस्कृत में बोल रही थी, जैसे व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि इतनी तीव्रता से इंग्लिश बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं, और संस्कृत में भी इतना साधुओं के चरणों में रहकर क्या क्या गुणगान किया उन्होंने, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आज इनके मन में सिर्फ स्मृतियां ही बची हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।